से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम। हरियाणा कांग्रेस के संगठन के गठन को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं। हरियाणा के कांग्रेस दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। कांग्रेस आलाकमान से मिलने में जुटे हैं हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की है। वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे से हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मुलाकात कर चुके हैं। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी मुलाकात कर चुके हैं आलाकमान से। हरियाणा कांग्रेस संगठन के गठन पर अब कभी भी फैसला ले सकता है कांग्रेस आलाकमान। हमारे साथ इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़े हैं तमाम चर्चाओं के लिए। अनिल मोर, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में अपने संगठन के स्ट्रक्चर पर गौर किया, नई जिम्मेदारियां दी गई नए लोगों को, और अब कांग्रेस की तरफ से ये सरगर्मियां तेज हैं कि संगठन का गठन हो जाए जल्द हरियाणा प्रदेश में। इंतखाब को, चुनाव को देखते हुए अनिल मोर, तमाम पार्टियां जोर शोर में लगी हुई हैं। आप बताइए क्या अपडेट है आपके पास, किस किस ने मुलाकात की है कांग्रेस आलाकमान से? देखिए बिल्कुल मुमताज, जो हरियाणा कांग्रेस का संगठन जो खड़ा होना है, जो संगठन का गठन की आजान है, इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबरें अभी तक दे रहा है कि जो कांग्रेस आलाकमान है हरियाणा कांग्रेस संगठन पर कभी भी फैसला ले सकता है, बिल्कुल अंतिम दौर में फैसला लिया जाना है। क्योंकि जो हरियाणा कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज है दिल्ली में डटे हुए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से वो मुलाकात कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान की बात करें वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी से वो मुलाकात कर चुके हैं, हरियाणा के जो दूसरे बड़े नेता जिनमें जो कांग्रेस की महासचिव है कुमारी सैलजा वो कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, दूसरे बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर चुकी है, किरण चौधरी श्रुति चौधरी भी कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर चुकी है, और रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के महासचिव है वो भी दिल्ली में डेरे डाले हुए हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यानी जो हरियाणा कांग्रेस के जो चार से पांच बड़े सियासी दिग्गज है दिल्ली में मौजूद है, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस का संगठन खड़ा कैसे। जो हमारे पुख्ता सूत्र हमारे से बताए गए कि जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदयभान वो अपनी तरफ से लिस्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंप चुके हैं, सीएलपी की तरफ से भी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर है, उनकी तरफ से भी जो बातचीत है कांग्रेस आलाकमान से की जा चुकी है। अब जो अंतिम फैसला है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया जाना है। जो भी हरियाणा कांग्रेस के बड़े दिग्गज है उनकी किस तरीके की राय तुम्हारी है, वो किस तरीके का संगठन चाहते हैं। कांग्रेस आलाकमान के सामने हरियाणा को लेकर एक अच्छी खासी परेशानी भी है, ये किसी से छिपा नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में एक बयान कुमारी सैलजा का फिर सामने आया कि अकेले एक शख्स जिम्मेदार नहीं होता है पार्टी में मतभेद के लिए या इख्तलाफ के लिए। ऐसे में आलाकमान का चैलेंज हरियाणा में बड़ा है बाकी रियासतों के मुकाबले। अनिल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा, भले ही कांग्रेस में देश के तमाम राज्यों में गुटबाजी है, चाहे हम हिमाचल प्रदेश लें, कर्नाटक लें जहां पे नई नई सरकारें बनी है, राजस्थान छत्तीसगढ़ जहां सरकार है, हर स्टेट में गुटबाजी है, लेकिन हरियाणा में जो गुटबाजी है लगता है कि जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले कहीं ज्यादा। यहाँ पर कई बड़े धुरंधर है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने आप में बड़ा कद है, चौधरी उदयभान हुड्डा गुट के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते उनका गुट अपने आप मजबूत बन जाता है। कुमारी सैलजा लगातार मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 बार वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस महासचिव है, उनका बड़ा कद है, उनका कहना कि उनका भी एक अपना गुट है। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस महासचिव है, वो भी कहीं ना कहीं एक अपना गुट लेकर चलते हैं। किरण चौधरी जो चौधरी बंसीलाल की कहीं ना कहीं जो राजनीति उनको आगे लेकर चल रही है, उनका अपना बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा में कांग्रेस के बड़े बड़े सियासी दिग्गज है, बड़े बड़े सुरमा है, सबके अपने अपने गुट है। तो कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किस तरीके से सभी गुटों में सामंजस्य बैठाया जाए, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस का संगठन है वो सालों से नहीं बना। जब अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे उसके बाद से जो हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन है तभी से कह सकते हैं कि भंग पड़ा है, कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव को 1 साल बचा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव को 1.5 साल बचा है, तो कांग्रेस चाहती है कि जो संगठन है संगठन में खड़ा किया जाए, मजबूत संगठन बनाया जाए, गुटबाजी को खत्म किया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान लगातार जुटा हुआ है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा किया जाता है और कब तक अनाउंसमेंट की जाती है। जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो बातचीत है बातचीत बिल्कुल
पूरी हो चुकी है, अंतिम दौर की जो बातचीत है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब कांग्रेस आला कमान को फैसला लिया जाना है कि किस तरीके से अनाउंसमेंट की जानी है। अगर कोई पेच नहीं फंसता, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, रिपीट भी करता हूँ, अगर कांग्रेस संगठन में हरियाणा में कोई पेच नहीं फंसता, कोई हरियाणा कांग्रेस का बड़ा नेता इसमें बीच में नहीं अड़ता, तो कांग्रेस आलाकमान जल्दी ही हरियाणा में लगता नहीं। जिस तरह से आलाकमान तो जद्दोजहद में कि सब कुछ ठीक रहे, ये भी जरूरी है कि खुद हरियाणा कांग्रेस के नेता दिल बड़ा रखें अपना, जो भी फैसला हो उसको बड़े दिल से कबूल करें, क्योंकि पहले ही इस गुटबाजी का नुकसान बहुत झेल चुकी है कांग्रेस हरियाणा में। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक फॉर्मूला निकाला गया था कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। चार कार्यकारी अध्यक्ष में से तीन कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर, सुरेश गुप्ता, श्रुति चौधरी, वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी सुनवाई नहीं करते, उनको साथ लेकर नहीं चलते, उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती पार्टी कार्यक्रमों की, तो कहीं ना कहीं वो अपनी नाराजगी जताते हैं। जब फॉर्मूला कांग्रेस आलाकमान ने निकाला कि एक अध्यक्ष के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष देंगे, उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो एक संतुष्टि होनी थी कांग्रेस नेताओं में वो नहीं हो पाई, गुटबाजी खत्म होनी थी वो नहीं हो पाई। अब जब प्रदेश का जो संगठन खड़ा किया जाने, जिनमें जिला अध्यक्ष भी बनने हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी बनने हैं, जो काफी महत्वपूर्ण पद सारे के सारे रहने वाले, तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस गुटबाजी खत्म करेगी। हालांकि इतना आसान नहीं है हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया जाना। जी ठीक कहा आपने अनिल, आसान बिल्कुल भी नहीं है गुटबाजी को खत्म किया जाना। और अब देखते हैं अब किस तरह से संगठन फॉर्म होता है, कितने लोग खुश होंगे, फिर से कितने लोग नाराज होंगे, और संगठन के वजूद में आते ही ऐसा ना हो अनिल कि फिर ये खाइयां और गहरी हो जाएं। देखिए खाइयां तो यूं कहीं ना कहीं जो सियासी तलवारें हैं हरियाणा कांग्रेस में खिंची हुई है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है, जो बाकी नेता हैं साई कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे कहीं ना कहीं निशाना साधते रहते हैं। कुमारी सैलजा पहले कभी भी कुलकर मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष या उनके गुट पर हमला नहीं करती थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं जो कुमारी सैलजा जो बयान देती है मीडिया में, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर कहीं ना कहीं चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे उदय भाने की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा किरण चौधरी भी अब मीडिया के सामने इस तरीके के बयान देने लगी है, और रणदीप सुरजेवाला हालांकि मीडिया के सामने खुलकर नहीं कहते, लेकिन जो गुटबाजी है वो किसी से छिपी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान एक साथ नजर आते हैं हमेशा कार्यक्रम में, लेकिन जो बाकी के नेता हैं कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, जिनके अपने अपने कद हैं, बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अलग राहें अपना कर रखते हैं। अब जो नया संगठन खड़ा किया जाना है, जो संगठन बनाया जाना है हरियाणा कांग्रेस में, कांग्रेस आलाकमान की कोशिश रहेगी कि जिन जिन नेताओं के जो इलाके पड़ते हैं, जो जिले केंद्र में आते हैं, उन जिलों में कहीं ना कहीं जो संगठन उनके अनुसार बना दिया जाए। एक रास्ता ये भी निकाला जा सकता है, एक रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि जो पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मजबूत नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं संगठन में तवज्जो दी जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान दुविधा में रहेगा। देखते हैं अनिल, कांग्रेस आलाकमान की ये दुविधा, ये कश्मकश किस तरह खत्म होती है, और क्या आलाकमान के फैसले के बाद तमाम नेता संतुष्ट होते हैं, मुतमईन होते हैं या नहीं, या फिर ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। बेहद शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।